Welcome back. Health Ministry is presently conducting one of its regular briefings. Listen in on the COVID-19 measures. के लिए तैयार है. वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि देश में जैसे कि हमें नीड हो सकती है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और मेडिकल लॉजिस्टिक्स की, उसको मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में किसी भी तरीके से, ताकि उसमें हम उसको प्रोवाइड कर सके, उसके लिए भी एक कार्य प्रणाली का होनी चाहिए. उन्होंने यह भी हमें अवगत किया था, सारे मुख्यमंत्रियों ने भी हमें अवगत किया था कि एक एक्शन की कोई भी होर्डिंग ऑफ कमोडिटीज, ड्रग्स वगैरह ना हो, उसके लिए भी रिक्वायर्ड एक्शन लिया जाएगा. पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो हम शुरुआत से ही एक बात कर रहे हैं कि ये एक संपूर्ण सरकार और समस्त समाज, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से हमें काम करना है. उसके पार्ट के रूप में हमारे को, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जन जागरण और जन भागीदारी के रूप में रविवार का दिन हम लोग जनता कर्फ्यू के रूप में मनाएं. जनता कर्फ्यू यानी कि जनता के द्वारा अपनी तरफ से किया हुआ एक कर्फ्यू, अपनी तरफ से किया हुआ एक संयम, अपनी तरफ से लिया हुआ एक संकल्प कि जिसके तहत वो लोग सोशल डिस्टेंसेस को प्रमोट करें. हमारे जितने भी मोस्ट वल्नरेबल, जैसे कि हमारे सीनियर सिटीजन्स, उसी तरीके से हमारे जो बच्चे हैं, और साथ ही हर नागरिक अपने घर में रहे, अपने घर में रहकर वो एक सोशल आइसोलेशन को प्रैक्टिस करे, और साथ में एक्सेप्ट जो एसेंशियल कॉमोडिटीज या एसेंशियल एक्टिविटीज के अलावा वो बाहर ना निकले, और इस तरह से देश के इस संक्रमण को रोकने के लिए, इस डिजीज के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए देश को कैसे तैयार रहना है, उसके भाग के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे एक विनती की थी. साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कल शाम 5 बजे जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए कल शाम 5 बजे हम उनको अपनी कृतज्ञता, उनको हम उससे अवगत कराएं. ये जो पूरा प्रयत्न है, ये पूरे देश की एक कलेक्टिव रेजिलियंस कि हम मिलके कैसे लड़ सकते हैं, हम मिलके किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से जूझ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, उसको दिखाने का एक समय है. मैं आपके थ्रू अपने इंडियन नेशनल से गुजारिश करना चाहूँगा कि कल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हम अपने दृढ़ संकल्प से, अपने संयम से कैसे हम लोग सोशल डिस्टेंसेस को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम लोग मिलकर इस समस्या से लड़ सकते हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में हम सामने आए. उसके साथ ही एक बहुत मुख्य अंश है कि हमारे हॉस्पिटल्स क्रिटिकल केयर सर्विसेज के लिए रेडी रहें, जिसके लिए हम अब से पहले भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स करते रहे हैं. एक नया ट्रेनिंग हमने क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के ऊपर, आज भी पूरे देश में हमने 1000 लोकेशंस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको ट्रेन किया. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.